दोस्तों, आपातकालीन परिस्थिति और राहत कार्यों के लिए एस्केप टनल का निर्माण किया जाता है और भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल बनके तैयार भी हो चुकी है। भारतीय रेलवे ने उधमपुर श्रीनगर और बारामूला रेल लिंक यानी USBRL प्रोजेक्ट के तहत कटरा बनिहाल सेक्शन पे भारत की सबसे लंबी सुरंग बनाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। ये एस्केप टनल सुम्बर और खारी स्टेशनों के बीच बनाई गई है, जिसकी लंबाई 12.89 किलोमीटर है और ये सुरंग दक्षिण की ओर सुम्बर स्टेशन यार्ड और सुरंग T50 को जोड़ते हुए उत्तर की ओर खोड़ा गांव में खोड़ा नाला पर ब्रिज संख्या 4 को जोड़ती है। आपात स्थिति में बचाव कार्य को और भी सुविधाजनक बनाने के लिए एस्केप टनल का निर्माण किया गया है, जिसकी सबसे बड़ी बात यह है कि यह हिमालय के रामबन फॉर्मेशन से होकर गुजरती है और इसके अलावा यह चिनाब नदी के खोड़ा हिंगनी कुंदन नाला को पार करती है और इस वजह से इसे बनाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो गया था। बनिहाल कटरा मार्ग पर यह चौथी सुरंग है। दोस्तों, इस साल जनवरी में 12.75 किलोमीटर लंबी T49 सुरंग बनकर तैयार हुई थी, जिसका निर्माण न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड NMTM से किया गया था, जो कि ड्रिल और ब्लास्ट प्रक्रियाओं की एक आधुनिक तकनीक है। दोस्तों, घोड़े के नाल के आकार की एस्केप टनल की सुम्बर में दक्षिण छोर की ऊंचाई 1400.5 मीटर और उत्तरी छोर की ऊंचाई 1558.84 मीटर है। रेलवे के मुताबिक टनल T49 ट्विन ट्यूब टनल है, जिसमें मेन टनल 12.60 किलोमीटर है और एस्केप टनल 12.895 किलोमीटर शामिल है, जो हर क्रॉस पैसेज पर 36 क्रॉस पैसेज से जुड़ी है। मुख्य सुरंग खनन पहले ही पूरा हो चुका था और अंतिम चरण का काम तीव्रता से चल रहा है। बनिहाल कटरा खंड का निर्माण USBRL परियोजना के तहत किया जा रहा है और योजना में कुल 272 किलोमीटर में से 161 किलोमीटर पहले ही चालू हो चुके थे और बाकी चालू होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो दोस्तों, भारत की इस उपलब्धि के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से।